Question 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? कहता है कि two APs हैं, वो उनका same common difference है, और उनके 100 टर्मों का difference कितना है? 100, 1000 का difference कितना होगा? ये find करना है. Let first AP A plus D, A plus 2D and so on. And second AP A plus D, A plus 2D. इन दोनों AP में common difference कितना है? D का difference है. अब यहाँ पे लिखेंगे according to question कहता है कि 100 टर्मों का डिफरेंस कितना है? 100. तो यहां लिखें A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 गिवन. A100 माइनस A100 इक्वल टू 100. A100 ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A100. इसमें बड़ा ए है, इसमें छोटा ए है. ए प्लस 90 और इसमें करेंगे बड़ा ए प्लस 90 इक्वल टू 100. ब्रैकेट खोलो, ए प्लस 90 माइनस ए माइनस 90 इक्वल टू 100. 90 कैंसिल हो गया, ए माइनस ए इक्वल टू 100 आ गया. Now, अब 1000 का डिफरेंस निकालना है. A1000 माइनस A1000 इक्वल टू A1000 क्या हो जाएगा? A प्लस 9990 माइनस है माइनस A प्लस 999D. इसकी ब्रैकेट खोलोगे a प्लस 9990 माइनस a माइनस 9990. एक प्लस का 990, एक माइनस का क्या है बेटा? a माइनस a. और a माइनस a हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं किसके इक्वल है? 100 के. यहां भी क्या आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा. ये आंसर आ जाएगा 100. क्वेश्चन 13. हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7. कहता है कि तीन अंकों की संख्या बताओ जो 7 से डिवाइड हो रही है. एपी आ जाएगी 105, 112, 119 एंड .. 994. लास्ट टर्म क्या होगी? 994. ये कैसी बनी वो देखें इधर. जैसे थ्री डिजिट नंबर है 100, इसको 7 से डिवाइड करवाना. क्यों? डिविजिबल बाय 7 है इसलिए 7 से डिवाइड करवाओ. 7 वन जा 7, 30 आया. 7 फोर जा 28, कितना आया? 2. जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करवाओ किससे? जिससे डिवाइड करवा रहे हो. 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5. अब 100 में 5 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 105. इसलिए हमने 105 पहले लिया. लास्ट टर्म देखें 999 होती है. सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की क्या है? 999. अब इसको 7 से डिवाइड करवाओ. 7 वन जा 7, 29. 7 फोर जा 28, 19. 7 टू जा 14, कितना है रिमाइंडर? 5. इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे. 999 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 994. इसलिए यहाँ पे क्या आया? 994. अब देखें यहाँ पे ए कितना है? 105. डी निकालो, 112 माइनस 105 कितना आएगा? 7. और लास्ट टर्म कितनी है? ये कौन से एन टर्म है तो वो देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसको क्या किसके इक्वल लेंगे? लास्ट टर्म को एन के द्वारा डिनोट करोगे. 994 गिवन. Implies that a plus n minus 1 into d equal to 994. 105 plus n minus 1 into d 7 equal to 994.
n माइनस वन इंटू सेवन इक्वल टू 994 माइनस 105 n माइनस वन इंटू सेवन इक्वल टू 9 आएगा यहाँ पे यहाँ 8 n माइनस वन इक्वल टू 889 अपॉन 7 71 7 72 और 77 127 हो जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 127 n इक्वल टू 127 प्लस 1 n इक्वल टू 128 nth टर्म कितनी आई 128 hence nth टर्म इक्वल टू 128 ये अपना आंसर है। यहाँ पे कितनी टर्म हो जाएंगी 128। क्वेश्चन 14 हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल होने वाली संख्या कितनी है फाइंड करनी है। और देखें यहाँ पे सॉल्व 8p 12 16 20 एंड .. 248 ये कैसे बनी और रख मैं देखें यहाँ पे रख 10 है यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करवाओ 4 टू द 8 2 आया बेटा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 जो ये 2 आया है 10 में ऐड कर दो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 ये 12 लास्ट का देखें 250 है इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 6 24 10 आया 4 2 8 2 इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें 250 माइनस 2 248 कितना आएगा यहाँ इधर 12 इधर 248 फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का पता लग गया। अब 4 4 का अपना वो कर लेना। अब ए इसमें है 12 डी 82 माइनस ए 1 16 माइनस 12 कितना आएगा 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लास्ट टर्म है ए एन इक्वल टू 248 गिवन इंप्लाइज दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 248 ए क्या है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248 एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 एन माइनस वन इंटू 4 इक्वल टू 6 3 236 एन माइनस वन इक्वल टू 236 अपॉन 4 4 5 20 और 4 9 36 एन माइनस वन इक्वल टू 59 एन इक्वल टू 59 प्लस 1 एन इक्वल टू 60 hence nth term equal to 60 यही आंसर। क्वेश्चन 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 ap 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल कह रहा है कि दो ap हैं ये फर्स्ट ap है और ये सेकंड ap है कहता है कि nth टर्म दोनों की इक्वल कब होगी ये फाइंड करो। देखो बेटा यहां पे लिखोगे फर्स्ट ap फर्स्ट एपी फर्स्ट एपी क्या है 63 65 67 इसमें ए क्या है 63 डी 82 माइनस ए 1 65 माइनस 63 ये आ जाएगा 2 ठीक है। इधर करें सेकंड एपी 3 10 7 इसमें ए क्या है 3 डी 82 माइनस ए 1 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 इसका डी 2 है और इसका डी क्या है 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू ए एन ऑफ सेकंड एपी गिवन ये दे रखा है कि दोनों एपीओ का एन टर्म क्या है सेम आना चाहिए तो ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू ए एन ऑफ सेकंड एपी एन का फार्मूला फर्स्ट एपी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका भी क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए की वैल्यू क्या है इसमें 63 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू
इक्वल टू इसमें थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू सेवन, 63 प्लस टू एन माइनस टू इक्वल टू थ्री प्लस सेवन एन माइनस सेवन, 61 प्लस टू एन इक्वल टू माइनस फोर प्लस सेवन एन, एन एक साइड में रखें, यहां कर लें टू एन माइनस सेवन एन इक्वल टू माइनस फोर माइनस 61, माइनस फाइव एन इक्वल टू माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, एन इक्वल टू 65 अपॉन फाइव, ये 13 आ जाएगा, एन क्या होगा 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, फर्स्ट ए पी भी और सेकंड ए पी भी। क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द ए पी व्हिच थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सेल द फिफ्थ टर्म बाय 12, थर्ड टर्म इज 16, यहां लिखे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ए थ्री इक्वल टू 16 गिवन इंप्लाइज दैट ए प्लस टू डी इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग to the second condition कहता है सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म by 12, इसमें कंपैरिजन हो रहा है 17 टर्म ए सेवन इक्वल टू ए फाइव प्लस 12 गिवन, सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म by 12 कहता है कि जो सातवीं जो टर्म है वो पांचवी टर्म में 12 ऐड करोगे उसके इक्वल हो जाएगी, इंप्लाइज दैट ए प्लस 6d इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12, इससे ए कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 6, d कितना आया 6, ये d आ गया 6, पुटिंग the value of d in equation first, first क्या है a plus 2d equal to 16, a plus 2 into 6 equal to 16, a plus 12 equal to 16, a equal to 16 minus 12, a equal to 4, a कितना है 4 और d कितना है 6, now ए टू ए प्लस डी, ए प्लस डी फोर प्लस सिक्स टेन, ए थ्री ए प्लस टू डी फोर प्लस टू इंटू सिक्स फोर प्लस ट्वेल्व, ये कितना हो जाएगा 16, ए थ्री आ जाएगा 16, हेंस ए पी फोर 10, 16 एंड डॉट सो ऑन 4, 10, 16 हमें क्या बतानी थी एपी बतानी। क्वेश्चन 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 डॉट 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 2, 5, 3, ये कह रहा है कि मैं पीछे से 20th टर्म फाइंड कर, यहां पे देखो बेटा सॉल्व, एपी दे रखी है 3, 8, 13, 2, 5, 3, लास्ट से ये देखो यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, पीछे से 20 टर्म ज्ञात करो, तो पीछे से 20 टर्म ज्ञात करनी हो तो एपी को हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, एपी इक्वल टू 2, 5, 3 डॉट 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 फिर करें 13, 8, यानी कि एपी को क्या कर दे चेंज कर लेना, ए इक्वल टू 2, 5, 3, डी इक्वल टू 3 माइनस 8 कर ले या 8 माइनस 13 कितना जाएगा माइनस का 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 20 टर्म ज्ञात करनी है तो ए 20 ए प्लस 19 डी 2, 5, 3
प्लस 19 इंटू माइनस 5 253 माइनस 95 और ये आ जाएगा 158। क्या आ जाएगा 158 आंसर। क्वेश्चन 18 द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44 फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। सो ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू 24 गिवन। यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर लें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू 24 इंप्लाइज दैट ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24 ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24 टू ए प्लस 10d इक्वल टू 24 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 इंप्लाइज दैट ए प्लस 5d इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 5d इक्वल टू 12 क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 वन जा 2 2 5 10 और 2 12 20। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन इसमें कह रहा है ए सिक्स प्लस ए टेन इक्वल टू 44 गिवन, इंप्लाइज दैट ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44 ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 9d इक्वल टू 44 टू ए प्लस 14d इक्वल टू 44 इंप्लाइज दैट ए प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12 ये फर्स्ट हो गई, a प्लस 7d इक्वल टू 22 ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। a इक्वल है लेकिन सेम साइन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखें, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 माइनस ए माइनस डी इक्वल टू 10 अपॉन 2 5 डी कितना आ गया 5। Putting the value, of d in equation first. Equation first क्या है? A plus 5d equal to 12. A plus 5d equal to 12. A plus 5 into 5 equal to 12. A plus 25 equal to 12. A equal to 12 minus 25. A इक्वल टू माइनस 13, ए कितना आ गया माइनस 13 और डी कितना आ गया 5। अब ए तो है माइनस 13, ए टू निकाल लेना यहाँ पे, ए टू ए प्लस डी, ए प्लस डी माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8 आ जाएगा। ए थ्री ए प्लस 2d, ए क्या है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3 हैंस ए पी इक्वल टू माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। क्वेश्चन 19 सो बार ऑफ स्टार्ट वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7000। सो बारह है वो 5000 रुपए में अपना काम स्टार्ट करता है 1995 से और उसकी हर वर्ष 200 रुपए इंक्रीमेंट है, कहता है कि कितने वर्ष के बाद उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। इसमें देखें ए है रुपीज 5000, डी रुपीज 200 और जो 7000 है उसको हम ए एन मान लेंगे,
एन इक्वल टू रुपीज 7000 गिवन, एज एस ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7000, ए 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू 7000, एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू 2000, एन माइनस वन इक्वल टू 2000 अपॉन में 200, डबल जीरो से डबल जीरो तो से 10, एन माइनस वन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 प्लस वन एन इक्वल टू 11, हेंस सोबाराव राव इनकम विल रीच रुपीज 7000 इक्वल टू एन कितना है बेटा 11, इसको यहाँ पे कर लेना 1995 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा 6002, 2006 ईयर पर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। क्वेश्चन 20, राम कलेक्ट शेयर रुपीज 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75 इफ इन द नेक्स्ट वीक हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज 20.75, फाइंड एन टर्म निकाल। सो ए इक्वल टू रुपीज 5, ए इक्वल टू रुपीज 5, डी इक्वल टू रुपीज 1.75, एज ए एन इक्वल टू रुपीज 20.75 गिवन, इंप्लाइज दैट ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू रुपीज, तो यहां पे लिख देंगे 20.75, ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75, एन माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, एन माइनस वन इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75, एन माइनस वन इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, एन माइनस वन इक्वल टू 1.575 अपॉन 1.75, इसकी पॉइंट नीचे 100 आएगा, नीचे की पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल और ये कितने से कट जाएगा बेटा 9 से कट जाएगा, एन माइनस वन इक्वल टू 9, एन इक्वल टू 9 प्लस 1 एन इक्वल टू 10, एन टर्म क्या है।